मैं तो चाहता था कि प्रतीक जीते, पर तेजा भी मेरी फ्रेंड है। आई एम हैप्पी शी वन एंड आई थिंक कुछ ना जीतने से बेटर है कुछ तो मैं जीत के सूटकेस लेके निकला। पिता का बर्थडे है तो आना तो था ही। सो प्रतीक इज ऑल्सो हियर। जानना चाहूंगी बिग बॉस के बाहर अब फाइनली खत्म हो चुका है और आज बर्थडे बैच भी है, तो किस तरह के विशेष आप देना चाहेंगे? अभी जस्ट आया हूँ, पता नहीं क्या है, पहली बार बाहर आया हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा फीलिंग आ रहा है, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी फन। शमिता का बर्थडे है तो आना तो था ही। सो प्रतीक इज ऑल्सो हियर। सो डेफिनेटली अभी तो आया हूँ, तो अभी एंटर करके देखूँगा, मिलूँगा सबसे। शिल्पा मैम भी है तो मिलूँगा उनसे, होपिंग कि अभी मज़ा आएगा। चीजें जो आपने की है, क्योंकि बाकी सब तो पहला तो खंबा खोला है, दूसरी चीज़ अभी खाया है, और तीसरी चीज़ मैं बाहर आया हूँ। पेरेंट्स के साथ था, दोस्तों के साथ था। अभी तो ये मेरा फर्स्ट आउटिंग है तो मुझे पता नहीं कि और क्या क्या काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। सो डेफिनेटली आई विल डू नाउ। देखो बिग बॉस है, शो है, थोड़ा 3-5 होना ज़रूरी होता है। सभी जीतने के लिए थे, सारे डिजर्विंग थे एंड में। मैं तो चाहता था कि प्रतीक जीते, पर तेजा भी मेरी फ्रेंड है। आई एम हैप्पी शी वन एंड मुझे लगा उस पर्टिकुलर जो मेरे दिल से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लगा करना चाहिए जो मैंने किया। एंड आई थिंक कुछ ना जीतने से बेटर है कुछ तो मैं जीत के सूटकेस लेके निकला। और बिग बॉस से मैं कभी एलिमिनेट नहीं हुआ हूँ, मेरी एक ग्रैंड एग्जिट हुई है वो भी 10 लाख के साथ। सो आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट मूव। सो मेरा 3-5 मैंने बिग बॉस में कर लिया और मुझे वो सही लगा तो मैंने कर लिया। थैंक यू